करो, बाहर की ईंटें बंद करो, बंद करो जी बंद करो, बाहर की ईंटें बंद करो, बंद करो जी बंद करो, बाहर की ईंटें बंद करो, हुई वो जस्टिस, हुई वो जस्टिस। ठीक है जी, दो चार मिनट बैठो सर, बाहर की ईंटें बंद करो, बंद करो भाई बंद करो, बाहर की ईंटें बंद करो, हुई वो जस्टिस, हुई वो जस्टिस, बाहर की ईंटें बंद करो, बाहर की ईंटें बंद करो, बाहर की ईंटें बंद करो, ब्रिकलेन एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस, प्रेसिडेंट ब्रिकलेन एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस, आज जितने भी मेरे साथी यहाँ पे हैं ब्रिकलेन एसोसिएशन से हैं, कुछ लोग ऑनर हैं जो ब्रिकलेन के, वो सांबा से भी हैं, कठुआ से हैं, अखनूर से हैं, आरएसपुरा से हैं, सुंदरबनी, रजौरी, पूरा हमारा जम्मू प्रोविंस यहाँ पे है आज आपके सामने। रीज़न एक ही है जी, जो पंजाब से ईंटें, राजस्थान से और हरियाणा से ईंटें जम्मू में लाई जा रही हैं, ये किसकी परमिशन पे है अभी तक हमें समझ नहीं आया है। ये हमारा ब्रिकलेन एक्ट है, आप लोगों के सामने है, हमारा ब्रिकलेन एक्ट कहता है विदाउट लाइसेंस कोई भी बंदा ईंटें जो है वो नहीं बेच सकता, नहीं बना सकता। यही एक्ट पंजाब का है जी, पंजाब में हम जम्मू वाले जाएंगे हमें वहाँ पे ईंटें नहीं बेचनी देंगे, वहाँ पे वैन है वहाँ पे विदाउट लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे। लेकिन पंजाब वाले और हरियाणा वाले जम्मू में आके ईंटें बेचना शुरू कर दिया, हमारी जम्मू की जो इंडस्ट्री है वो बंद करने की कगार पे आ गए हैं आज वो लोग। दो दिन पहले भी हम लोग डिपकॉम साहब से मिले हैं, दो बार हमारी उनसे मीटिंग हो गई है, हम लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, हमें सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं, अभी तक रिटर्न में कोई भी ऑर्डर जो है वो नहीं निकला है वहाँ से ईंटें बंद करने का। डिपकॉम साहब से दो दिन पहले मुलाकात हुई थी, तीन दिन पहले उन्होंने कुछ देर के लिए वहाँ पे एक दिन के लिए ट्रॉलर्स बंद किए हैं जी। उसके बाद जो हमारा माफिया है यहाँ का, ब्रिक्स माफिया, ईंटों के जो दलाल हैं, कुछ लोग इसमें हैं, वो आकर के साहब से मिलते हैं और पता नहीं कि उनकी क्या आपस में बात हुई, हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, उन्होंने क्या परमिशन ली। रात को ही डिपकॉम साहब ने परमिशन दे दी जी, आप ईंटें ले जा सकते हैं। पूरा पंजाब और हरियाणा, राजस्थान एक ही दिन में एक करोड़ के लगभग 70 से 75, तो एक ही मतलब दो तीन घंटों में रात को 12:30 बजे जो ट्रॉले छोड़ेंगे, और एक दिन में कहाँ अगर आप लेके चलेंगे 1 करोड़ के करीब करीब ईंट जो है वहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट की गई है। तो उस चीज को देखते हुए हमने कोशिश की है आज, देखिए आज हम लोग आ गए हैं अपना लाइसेंस जो है, देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं, एक तो हम अपना लाइसेंस यहाँ पे आज छोड़ जाएंगे जी डिपकॉम साहब के पास, क्योंकि गवर्नमेंट हमें लाइसेंस इशू करती है जी ईंटें बनाने के लिए, विदाउट लाइसेंस ये लोग कैसे ला रहे हैं। अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो हम अपनी जो भट्ठा इंडस्ट्री है वो बंद कर देंगे जी। सेकेंडली जो हम लोग यहाँ से GST, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स का जो हमारा है, चाहे वो GST में है, सेल टैक्स में है, जियोलॉजी माइनिंग में है, करोड़ों रुपीज़ में हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। पंजाब वाले कहाँ पे कर रहे हैं जी, हमें समझ नहीं आता। स्टेट पंजाब वाले पंजाब में करके आ रहे हैं, हमारी स्टेट को क्या मिल रहा है पंजाब से। सर जम्मू इस्टेब्लिश हुआ है, हमारी ईंटों से जम्मू बना है, जम्मू हमारा है, किसी का पंजाब वालों का नहीं है, जम्मू हमारा है। तो जम्मू के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, बाहर वाला माफिया यहाँ पे आकर के ईंटें बेचना शुरू करेगा, जम्मू पे कब्जा करेगा, वो हम नहीं होने देंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। बंद करो जी बंद करो, बाहर की ईंटें बंद करो।